अच्छा आपने अप्रिंगिंग अप की बात कॉन्टीन्यूसली हम किए जा रहे हैं लेकिन एक और चीज़ जो बहुत कॉमनली मैं देखती हूँ कि जब हम लोग हमारा ज़माना मुझे ऐसे नहीं लगता कि बहुत ही पुराना ज़माना है अभी कुछ सालों पहले का ही जमाना है ये हम लोगों के दौर में जब कोई बच्चा आ, किसी पब्लिक स्कूल में पढ़ा करता था या कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़ा करता था तो अगर वो किसी फैमिली फंक्शन में इकट्ठे कजन्स का फॉर सपोज सोच ले ज़रूरी नहीं है तमाम बहन भाइयों के हालात एक जैसे हों और वो अपने बच्चों को एक ही तरह की एजुकेशन दिलवा सकें अगर कोई बच्चा गवर्नमेंट के स्कूल में है या पब्लिक स्कूल में है और कोई उनका कज़न प्राइवेट स्कूल में है तो उनके दरम्यान में एक वाज फ़र्क पता नहीं लगता था ना ही वो फ़र्क फ़ील होता था जब बच्चे आपस में खेल रहे होते थे लेकिन आज कल ये चीज़ एक तो वाज पता भी लगती है और दूसरा ये कि बच्चों के दिमाग में भी कहीं ना कहीं ये होता है कि हम इनसे बेहतर हैं क्योंकि हमें अंग्रेज़ी बोलनी आती है और इन्हें उस तरह से फ्लूंट अंग्रेज़ी बोलनी नहीं आती ऐसा क्यों है ऐसा इसलिए है कि हमने ये जो है ना कैटेगराइजेशन ये खुद की हुई है देखिए आप बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं तालीम हासिल करने के लिए और बच्चे के जहन में चीज़ आप डाल दें कि दिस इज योर स्कूल और आपने सिर्फ पढ़ना है जब हम खुद घर में भी बैठ के कंपेयर कर रहे होते हैं ना कि इस ब्रांड का स्कूल, आ, सूट लेना है और मार्केट से लोकल मार्केट से सूट नहीं उठाना तो वहाँ से जो है बच्चा या बच्ची वो क्या सीख रहा है इसी तरह से जो बच्चा स्कूल जाता है तो हम उसके माइंड में डाल देते हैं तुम तो शहर के सबसे बड़े स्कूल में जा रहे हो ठीक है तो जब रिलेटिव्स की गैदरिंग होती है और एक जो मीडियोकर फैमिली से वो बच्चा जो है वो फिर अच्छा।